तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त मैं गंगाराम, एमपी सतना मैहर से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरी 6 फीट की डिश है और इस पर मैंने मल्टी सैटेलाइट सेट करके रखा है। दोस्तों मैं इस मल्टी सैटेलाइट का वीडियो एक पहले भी दे चुका था, लेकिन उसमें मैंने इंची टेप में नाप कर नहीं बताया था कि कौन सी लंबी कितनी दूरी पर रहेगी। तो जिस कारण काफ़ी दोस्तों का मैसेज आया कि यार कम से कम नाप के बता दो कि कौन सी लंबी कितनी दूरी पर रखना है, तो इसी वजह से मेरे को ये वीडियो दोबारा फिर बनाना पड़ा। तो इस बार मैं आपको एक एक LMB नाप के बताऊंगा दोस्तों कि आपको 83 इंच से कौन सी LMB कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा मल्टी सैटेलाइट सेट करने के लिए। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अपनी ये मेन LMB इंसर्ट 4 है, 83 डिग्री ईस्ट पर है दोस्तों। साइड वाली LMB इंसर्ट 20/68 ईस्ट पर सेट है, देख सकते हैं। और ये वाली LMB अपनी 93/95 पर सेट है, और ये वाली LMB 98/100 पर सेट है, देख सकते हैं। चलिए मैं आपको और भी कुछ दूर से दिखा देता हूँ दोस्तों, किस तरह अपना सेटअप दिखेगा दूर से देखने पर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह अपने चारों LMB नज़र आएंगी दोस्तों। तो अब चलिए मैं आपको साइड से डिश दिखा देता हूं कि अपनी डिश किस तरह नज़र आएगी। तो देख सकते हैं साइड से देखने पर कुछ इस तरह अपनी डिश नज़र आएगी दोस्तों। अब चलिए मैं आपको LMB सामने से दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं सामने से अपनी LMB इस तरह नज़र आएगी। अब चलिए मैं आपको डिश के सामने की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों, और उसे सामने से एक बार फिर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए अब आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ कौन सी LMB कितनी दूरी पर रखनी है। तो देख सकते हैं 83 इंच से अपन को 6 इंची दूर अपन को दूसरी LMB लगानी है दोस्तों, सीवेंट की, देख सकते हैं आप। तो चलिए आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ, DD फ्री डिश को कितनी दूरी पर लगाना। तो देख सकते हैं 83 इंच से DD फ्री डिश सेट करने के लिए 5 इंची के गैप रहेगा दोस्तों, 5 इंची दूर लगाना है LMB को, देख सकते हैं आप। और सर चलिए मैं चौथी LMB बता देता हूँ। तो देख सकते हैं 9 इंची का गैप रहेगा दोस्तों, अपना 83 इंच से 100 डिग्री ईस्ट और 98 डिग्री ईस्ट सेट करने के लिए आपको 9 इंची का गैप रखना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं DD फ्री डिश सेट करने के लिए 5 इंची गैप रखना पड़ेगा दोस्तों 83 इंच से, और से 83 इंच से 68 इंच सेट करने के लिए आपको 6 इंची का गैप रखना पड़ेगा, तभी आपका मल्टी सैटेलाइट सेट होगा दोस्तों। अब बात आती है चारों LMB के अपन सैटेलाइट देखेंगे कैसे। तो अपन को एक डिस्क्रिप्शन स्विच लेना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह का, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। इस तरह आपको डिस्क्रिप्शन स्विच ले करके और से सभी वायर कनेक्ट करनी पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अपनी वायर गई है 68 इंच की, देख सकते हैं ये ऐसे तार घूमते हुए अपनी गई है डिस्क्रिप्शन स्विच की तरफ। तो देख सकते हैं मैं पोर्ट 1 पर लगा के रखा हूँ दोस्तों 68 इंच, देख सकते हैं। और से जो पोर्ट 2 की वायर गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी LMB पर लगा के रखा हूँ। तो देख सकते हैं पोर्ट 2 की वायर लगी हुई अपना 83 डिग्री ईस्ट पर, देख सकते हैं। और से जो अपने 95 और 93 डिग्री ईस्ट पर लगी हुई है दोस्तों, तो ये वायर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से पोर्ट पर लगा के रखा हूँ। तो देख सकते हैं ये वायर ऐसे घूमते हुए गई है और पोर्ट 3 पर लगी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं पोर्ट 3 पर। और से ये सफ़ेद वायर देख सकते हैं दोस्तों, वाइट वायर जो गई हुई है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से LMB पर लगा के रखा हूँ। तो वायर देख सकते हैं दोस्तों, ये गई हुई है अपनी इस LMB में, जो कि मैं एशिया सेट 500 डिग्री ईस्ट और से चाइना सेट 98 डिग्री ईस्ट पर सेट करके रखा हूँ इस LMB को, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर सामने से दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह अपनी डिश नज़र आएगी दोस्तों सामने से देखने पर, और से देख सकते हैं अपनी सभी वायर यहीं पड़ी हुई है नीचे साइड, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि कौन सी LMB की वायर में कौन से पोर्ट पर लगा के रखा हूँ। तो देख सकते हैं ये अपना डिस्क्रिप्शन स्विच है। तो एक नंबर पोर्ट पर इंसर्ट 20/68 डिग्री ईस्ट, दो नंबर पोर्ट पर इंसर्ट 4A 83 डिग्री ईस्ट, तीन नंबर पोर्ट पर DD फ्री डिश TV 93/95 ईस्ट, और से चार नंबर पोर्ट पर चाइना सेट 98 और से एशिया सेट 5, दो सैटेलाइट इस पर जाएंगे दोस्तों। और से देख सकते हैं अपनी वायर गई हुई है ये अपने अंदर साइड, जो कि मैं LED में आपको दिखाऊंगा इसके चैनल लिस्ट चारों सैटेलाइट के।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ टीवी स्क्रीन के पास, वहाँ दिखाता हूँ आपको मैं चैनल लिस्ट। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए अपनी टीवी स्क्रीन के पास, देख सकते हैं वतन एचडी चैनल चला हुआ। दोस्तों मैंने चैनल पहले ही ब्लाइंड स्कैनिंग करके रखा, क्योंकि ब्लाइंड स्कैनिंग करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको सैटेलाइट सेलेक्ट करके चैनल दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इंसर्ट 20 अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, 68 डिग्री ईस्ट, और इसके मैं आपको चैनल लिस्ट दिखा देता हूँ। तो इससे पहले अपन फ्री टू एयर और स्क्रम्बल कर लेते हैं अलग, जिससे कि आपको चैनल लिस्ट दिखाने में आसानी हो दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, अब चलिए मैं आपको एक नंबर से दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं NHK वर्ल्ड के नाम से चैनल चल रहे हैं दोस्तों एक नंबर पर। तो मैं आपको तो ज़्यादा चैनल नहीं दिखा सकता, बस थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूं। देख सकते हैं 12 चैनल मेरे को फ्री टू एयर मिल रहे हैं, बाकी ये स्क्रम्बल मोड पर है। तो चलिए आपको मैं टोटल चैनल भी दिखा देता हूँ, टोटल कितने मेरे को मिले हैं 68 पर C-band में। तो आप देख सकते हैं 35 चैनल ही मुझे टोटल रिसीव हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत साइट्स में LMB लगाना पड़ता है, जिस कारण चैनल अधिक रिसीव नहीं होते 68 के। तो चलिए अपन फिर चलते हैं सैटेलाइट लिस्ट में, और अपन सेलेक्ट कर लेते हैं इंसर्ट 4A 83 डिग्री ईस्ट। इसको भी मैंने पहले से ब्लाइंड स्कैनिंग करके रखा दोस्तों। तो अपन चैनल कर लेते हैं फ्री और से स्क्रम्बल अलग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक नंबर से चैनल लिस्ट। तो अपन आ गए एक नंबर चैनल लिस्ट में दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के चैनल इस पर चलते हैं फ्री टू एयर, और से ये 83 डिग्री ईस्ट इंसर्ट 4A बहुत बढ़िया सैटेलाइट है दोस्तों। इसमें अपन को काफ़ी लैंग्वेज के चैनल देखने को मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे चैनल देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको कुछ चैनल चला कर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं सूर्य सिनेमा, सूर्य व्यक्ति, सूर्य भोजपुरी, ऐसे कुछ चैनल देखने को मिल जाते हैं। मूवी प्लस देख सकते हैं, बल्ले बल्ले नॉन स्टॉप भी अपन को देखने को मिल जाता है इस सेटेलाइट पर फ्री टू एयर, जंतर मंतर। तो इस तरह इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल देखने को मिलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं मतलब कभी चैनल अपन को देखने को मिल जाएगा, बॉक्स सिनेमा भी मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। तो बहुत बढ़िया सैटेलाइट है दोस्तों इंसर्ट 4A 83 डिग्री ईस्ट। यदि आपके पास 6 फीट डिश है दोस्तों, तो आप अवश्य इस सैटेलाइट को ट्रैक करके देखें, आपको ये सैटेलाइट अवश्य पसंद आएगा दोस्तों इंसर्ट 4A 83 डिग्री ईस्ट। इसमें आपको धार्मिक के भी चैनल मिल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ चैनल चलाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 9X टसन भी इस पर चल रहा है दोस्तों फ्री टू ईयर। आप इन सभी चैनलों का फ्री टू ईयर मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको टोटल भी दिखा देता हूँ कितने चैनल मेरे को आज के डेट पर फ्री टू ईयर मिल रहे हैं 83 डिग्री ईस्ट C-band में। देख सकते हैं 9S झक्कास, सिमारो टीवी भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस सैटेलाइट पर फ्री टू ईयर। देख सकते हैं दंगल, तो चलिए मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ टोटल मुझे कितने चैनल मिले हैं इस सैटेलाइट पर फ्री टू ईयर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 200 चैनल मेरे को टोटल फ्री टू ईयर मिल रहे हैं इस सैटेलाइट पर। और से चलिए मैं आपको कुल टोटल बता देता हूँ कि 83 डिग्री ईस्ट में मेरे को टोटल कितने चैनल मिले हैं। तो आप देख सकते हैं 279 चैनल मुझे टोटल मिले हैं दोस्तों, जिसमें से कि 200 चैनल फ्री हैं, बाकी 79 चैनल स्क्रम्बल मोड पर हैं दोस्तों। तो चलिए आपको मैं फिर बैक ले चलता हूँ, और से अपन सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेते हैं DD फ्री डिश, डिश TV, और से DD फ्री डिश 93 और 95 डिग्री ईस्ट। तो इस सैटेलाइट के चैनल भी अपन फ्री टू ईयर और से स्क्रम्बल कर लेते हैं अलग, और से आपको दिखाते हैं एक नंबर से चैनल लिस्ट। तो देख सकते हैं जी पंजाब हरियाणा, जी बिहार। तो DD फ्री डिश तो आप भली भांति समझते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से चैनल फ्री टू ईयर मिलते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के चैनल इस पर फ्री टू ईयर चलते रहते हैं दोस्तों, देख सकते हैं।
तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चैनल करके दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों, तो देख सकते हैं स्टार उत्सव। तो आप यदि मल्टी सेटेलाइट सेट करते हैं दोस्तों, तो सभी चैनल बराबर वर्क करेंगे। ये मत सोचिएगा कि कोई भी सेटेलाइट के चैनल आपको कम सिग्नल मिलेगा। तो देख सकते हैं रिपब्लिक भारत। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अपन जब मल्टी सेटेलाइट सेट करते हैं, तो जो मेन एलएमबी होती है उसमें तो अपन को सभी चैनल रिसीव हो जाते हैं, लेकिन जो साइड से एलएमबी लगाते हैं, उस एलएमबी में अपन को सभी चैनल किसी भी सेटेलाइट को नहीं मिलते हैं दोस्तों, अधिकतर सी बैंड में, क्योंकि डिश का एरिया कम हो जाता है, जिस कारण कम सिग्नल मिलता है और उससे अपन को चैनल भी कम मिलते हैं, क्योंकि वो एलएमबी काफ़ी साइड में जाकर लगती है। तो देख सकते हैं टोटल अपन को 186 चैनल फ्री ट्यून मिल रहे हैं दोस्तों, और से ये डिश टीवी के चैनल हैं जो कि स्क्रम्बल मोड पर हैं, नहीं चलेंगे। तो चलिए मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ, टोटल मुझे कितने चैनल मिलते हैं डीडी फ्री डिश और डिश टीवी मिला करके। तो देख सकते हैं 689 चैनल मेरे को टोटल मिल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोनों सेटेलाइटों को मिला करके। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर आपको बैक ले चलता हूँ सेटेलाइट लिस्ट में। अब अपन सेलेक्ट कर लेते हैं चाइना सेट 98 डिग्री ईस्ट, और आप देख सकते हैं वतन एचडी चैनल चला हुआ दोस्तों, देख सकते हैं 2 नंबर पर है एचबीओ, 3 नंबर पर है एनईटी स्पोर्ट। तो कुछ इस तरह के चैनल अपन को 98 डिग्री ईस्ट पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और से अपन को देखना है कि 100 डिग्री ईस्ट का मदनी चैनल मिला है अपन को कि नहीं मिला। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं मदनी टीवी के इवेंट, तो अपन को 100 डिग्री ईस्ट का भी चैनल मिल जाता है दोस्तों। तो आप 98 और 100 डिग्री ईस्ट एक साथ एक ही मेल एलएमबी पर ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सभी चैनल दिखा देता हूँ, टोटल मुझे कितने चैनल मिलते हैं दोस्तों, 6 सेटेलाइटों को मिला करके। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप, तो टोटल मुझे 1014 चैनल रिसीव हो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए सैटेलाइट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।